अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज हम बात करेंगे कि खांसी के लिए बच्चों में चाहे बड़ों में सबसे बेहतरीन सिरप कौन सा है, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो चेंज हो गया है, सर्दियां आ गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा खांसी होती है, बड़ों को भी बहुत ज्यादा आजकल खांसी हो रही है। तो आज मैंने मुनासिब समझा कि आज आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं। अगर आप लोगों को खांसी है, बेशुमार किस्म के सिरप यूज कर चुके हैं, आपको आराम नहीं आया, या आपके बच्चों को खांसी है, रात को सो नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने आज मुनासिब समझा कि ये वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को बताऊं कि खांसी का सिरप सबसे बेहतरीन कौन सा है, कि आप अपने बच्चों को यूज करवाएं या खुद यूज करें तो आपकी खांसी ठीक हो जाए। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझें कि खांसी की टाइप्स होती है। एक यानी खुश्क खांसी होती है, ड्राई कफ जिसको बोलते हैं, एक बलगमी खांसी होती है, और सम टाइम ऐसी होती है कि बच्चों को जो है नमूनिया की वजह से छाती पे रेशा बन जाता है, जिसकी वजह से उनको खांसी होती है। और छोटे मासूम बच्चों में जो सिरप यूज करवाया जाता है वो अमूमन ज्यादातर ऐसी फाइल कफ यूज करवाया जाता है, और बड़ों में जो है मुख्तलिफ कंडीशन में उसको देखा जाता है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली जाती है। अगर आपके पास एक स्मोकिंग वाला पेशेंट आता है, यानी बड़ी एज वाला है, वो स्मोकिंग करता है, तो जाहिर ही बात है उसके लिए अलग सिरप होगा। एक नॉर्मल चेस्ट कफ है, उसको नॉर्मल खांसी है चेस्ट में, तो उसके लिए नॉर्मल सिरप होता है। एंटी एलर्जिक कंडीशन में देखा जाता है कि अगर आपके एरिया में एलर्जी बहुत ज्यादा है, उसकी खुश्क खांसी है, तो उसके लिए खुश्क खांसी का सिरप रिकमेंड किया जाता है। अगर उसको बलगम है तो बलगमी खांसी रिकमेंड की जाती है। तो आज मेन हमारा मकसद जो है, पर्पज जो है, किस खांसी के लिए कौन सा सिरप सूटेबल है, इसको जरा समझें। इसके लिए ऑलरेडी मैंने मुकम्मल एक वीडियो अपलोड की है, जिसपे तकरीबन 2 लाख के करीब व्यूज आ गए हैं। आप बेस्ट टॉप 10 सिरप कफ वाले जो हैं वो जाकर देख सकते हो। इसके अलावा अगर बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन खांसी का कौन सा सिरप है, वैसे तो अमूमन बहुत ज्यादा एसीफाइल कफ यूज कराया जाता है, ये बेस्ट है, लेकिन उसके अलावा अगर बच्चे को छाती में रेशा है, खर खर की आवाजें हैं, आती हैं, कोई और मसला है इस टाइप वाला, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई है कि कौन सा खांसी का सिरप आपने यूज करवाना है, कौन सा एंटीबायोटिक यूज करवाना है, कौन सी एंटी एलर्जिक यूज करवाना, ताकि बच्चे की खांसी ठीक हो। क्योंकि बच्चे को सिर्फ खांसी का सिरप देने से खांसी खत्म नहीं होती, उसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला बनाना होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो खांसी करके बलगम बाहर नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर एक फार्मूलेशन बना के देनी पड़ती है, ताकि उसकी छाती जो है वो खुश ठीक हो जाए, साथ उसकी खांसी भी ठीक हो जाए। और कौन कौन सी यानी मेडिसन है, प्रॉपर मैंने वीडियो अपलोड किए, मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हो। सिर्फ जाकर सर्च करें कि इनकी बेस्ट एंटीबायोटिक्स के बारे में देखें मेरे चैनल में, या आप बच्चों की खांसी के लिए बारे में चेक कर सकते हो, बच्चों के फीवर के बारे में भी चेक कर सकते हो, यानी सब टाइप के खांसी जो है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए, जाकर आप देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। तो आज मेरे वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था, पर्पज था, वो ये था, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो गया है, तो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज आप लोगों को आगाह करना था कि आप जाए मेरे चैनल को विजिट करें, इंशाल्लाह जो जो खांसी का सिरप मैंने बताया है वो प्रैक्टिकली तौर पर मैंने अपने पेशेंट को यूज करवाया है, इसका अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैंने मुनासिब समझा कि आज आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं, आप भी यूज करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फायदा होगा। आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।